शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह पाक हमेशा आपको कायम दायम रखे। अगर मेरी बात कोई बुरी लगती है तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। और आज की सबसे बड़ी हदीस, खयानत करना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं दो लोगों में तीसरा हूँ, जब तक एक यानी पहला दूसरे से खयानत नहीं करता, और जब एक दूसरे से खयानत करता है यानी एक दो फरीक है ना, तो एक दूसरे से जब वो खयानत करते हैं तो मैं दरमियान से निकल जाता हूँ। फिर अल्लाह ताला उनका साथ नहीं देते, उनकी मोहब्बतों में, इनकी चाहतों में अल्लाह पाक उनका साथ नहीं देते। तो आप भी इस चीज पर गौर किया करें कि अल्लाह पाक को कैसे आप तकलीफ पहुंचाते हो। तो आज जो रिस्क के बारे में आपको मैं वजीफा बताने जा रही हूँ, बहुत प्यारा, बहुत नया है। अगर आप रिस्क में बरकत और माशरे में इज्जत चाहते हैं, हर कारोबार में, परेशानी में, दुख तकलीफों में इज्जत चाहते हैं और रहमत बरकत चाहते हैं, तो आज जो मैं आपको वजीफा बताऊंगी बहुत आसान है। वो करें, इस अमल की बदौलत आपके रिस्क में बरकत, माशरे में इज्जत, हर काम में मुकाम, और इस अमल की इजाजत सबको आम है। जो भी माशरे में इज्जत और रिस्क और बरकत चाहते हैं वो अल्लाह पाक का ये नाम यानी या राफियो 101 मरतबा सुबह शाम आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़े और अपना मामूल बना ले, और इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी इज्जत और रिस्क में इजाफा होगा। यकीन माने कि अगर आप ये छोटा सा अमल करते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत बुलंद और आपके रिस्क में अल्लाह पाक बहुत इजाफा फरमाएंगे। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।